हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आरती, ऑनलाइन प्रिपरेशन विद आरती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको हेल्थ से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। जी हाँ, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। और हम ये कह सकते हैं कि जब से अब बरसात का रेनी सीजन स्टार्ट होता है, ख़ास तौर पे जुलाई से लेकर के अक्टूबर या नवंबर तक आप कह सकते हैं, नवंबर दिसंबर तक जो सीज़न होता है वो जो होता है बेहद रिस्की सीज़न होता है। और ख़ास तौर पे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मच्छर की। आपको पता है कि इन सीज़न में मच्छर बहुत ज़्यादा आते हैं और मच्छरों से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। मलेरिया होता है, दिन मलेरिया के बाद जो है कंटिन्यू बने रहने के बाद टाइफाइड हो जाता है। लेकिन यहां पे हम जिस बीमारी की बात करने वाले हैं वो थोड़ी सी हटके बीमारी है। तो फ्रेंड्स, यहां पे हम बात कर रहे हैं डेंगू की। तो फ्रेंड्स, डेंगू जो है वेरी डेंजरस है और आपको पता है कि ये उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, खासतौर पे मेलीगढ़ में, अलीगढ़ में भी फैला है। और यदि आप चाहें तो नेट पे जब यहाँ के जो पेपर्स, न्यूज़पेपर आते हैं, आप उन्हें सर्च करें और देखें, उनमें डेली 3 या 4 मौतें आपकी सामने आ रही हैं। आज का वीडियो हम आपको लेके आए हैं किस तरह से आप डेंगू से बच सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको खुद फेस किया है। मेरी बेटी को डेंगू हो चुका था और मैंने किस तरह से 1 हफ्ते में उन्हें ठीक कर दिया। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डेंगू होता कैसे है, ठीक है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि डेंगू से किस तरह बचा जा सकता है, कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, और यदि बीमार हो जाते हैं तो क्या करना चाहिए, जो एक जनरल फीचर जो हमें डॉक्टर्स भी बोलते हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। इसके बाद वीडियो को आप जरूर वॉच करिएगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या कर सकते हैं और 1 हफ्ते के पहले ही आप डेंगू से निजात पा सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि रोग कैसे होता है, क्यों होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं डेंगू के लक्षण कौन कौन से हैं। आप देख रहे हैं, त्वचा पर चकत्ते, तेज सिर दर्द, आंखों में दर्द, तेज बुखार, मसूड़ों व नाक से खून का बहना, ये जो लक्षण होते हैं ये डेंगू के लक्षण होते हैं। अगर ये लक्षण पेशेंट में दिख रहे हैं जिनको फीवर है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट करें, उनसे मिलें, आपको डेंगू हो सकता है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं डेंगू के बचाव के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला कि डेंगू किससे होता है। देखिए, जो डेंगू ये बीमारी होती है ये मादा एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है, और ये जो है दिन के समय में मच्छर काटता है, इसलिए दिन में भी मच्छरों की क्रीम लगाकर रखना चाहिए। मच्छरों वाली जगहों पर शरीर को ढक कर रखना चाहिए। घर के अंदर और जो आस पास है सफाई रखनी चाहिए। अपने पास जो है कूलर, गमले और टायरात पर पानी जो है वो जमा नहीं होने देना चाहिए। पानी की टंकियों को भी सही तरीके से ढक कर रखना चाहिए। मच्छर भगाने का पाउडर जो है वो छिड़क कर रखना चाहिए, और साथ में खिड़की और दरवाजे में जाली लगवाने चाहिए, और अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना चाहिए। डेंगू के मरीज इन बातों का ख्याल रखें कि डेंगू के मरीज शरीर को ढक कर रखें, ध्यान रखें कि आपको कोई मच्छर ना काटे, वरना आपके शरीर का वायरस दूसरे तक पहुंच जाएगा। अगर आपको डेंगू के लक्षण लगे हों तो डॉक्टर को जरूर दिखाने चाहिए, खुद से कोई दवा ना लें। शुरुआत में आप कम mg की पैरासिटामोल ले सकते हैं, और डेंगू वायरस से लोगों को बचाने की कोई वैक्सीन नहीं है। यदि आप समझे इसका कोई इलाज है तो इसका कोई भी इलाज नहीं है। इसका इलाज यह है कि आप अपने आप को मच्छर से बचा के रखें। तो फ्रेंड्स, आपने देखा, अब हम आपको बताते हैं आप अपने तरीके से किस तरह से डेंगू से बच सकते हैं। देखिए, जरूरी नहीं है कि डेंगू के जो मच्छर है वो आपके घर में हो तभी आप इसके शिकार हो सकते हैं, डेंगू हो सकता है। हो सकता है कि आपका बच्चा बाहर खेलने जा रहा है, पार्क में खेल रहा है, या वो स्कूल जा रहा है, तो वहां से भी डेंगू हो सकता है उसको, यानी वहां भी उस मच्छर ने उसे काटा हो, तो वो वहां पे भी उसे जो मच्छर है वो हो सकता है किसी डेंगू वाले इंसान का खून चूस आया और उसको काट लिया, तो इससे भी डेंगू हो जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपके घर में उसके लार्वा पाए गए हों या डेंगू वाला मच्छर हो। चलिए, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि सबसे पहले सिम्टम्स यानी जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए, जनरली क्या होता है कि डेंगू का पहला लक्षण फीवर होता है, क्योंकि बहुत तेज का इसमें फीवर होता है। जो फीवर है 104 से ऊपर 5-6 डिग्री भी जा सकता है, और इसी तरह के फीवर जो होते हैं नॉर्मल फीवर भी होता है, जो इस समय वायरल फीवर चल रहा है। तो आपको अंतर कैसे करना, कैसे डिफरेंस आप करेंगे दोनों में कि ये नॉर्मल फीवर है या डेंगू का फीवर है, क्योंकि जनरली लोग इसमें अंतर नहीं कर पाते हैं और 3 या 4 दिन घर में ही गुजार देते हैं, और उसके बाद जब हो जाते हैं तब तक में बहुत देर हो चुकी होती है।
तो देखिए इसका सबसे बड़ा जो एक अंतर होता है, डिफरेंस होता है, किस तरह से आप पहचानेंगे, तो पहचानने का सबसे बड़ा जो एक टॉपिक है वो आप लीजिए कि जो नॉर्मल फीवर होता है जिसे हम वायरल फीवर कहते हैं वो 2 से 3 घंटे के लिए होता है। तो जब आप मेडिसिन लेते हैं वो फीवर ठीक हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मल फीवर वो है। लेकिन जो डेंगू का फीवर होता है फ्रेंड्स, वो 7 से 8 घंटे कंटिन्यू रहता है। यानी कि जब को वो फीवर जब आपको आता है, जिस पेशेंट को वो फीवर आता है वो कंटिन्यू 7 से 8 से 9 या 10 घंटे रहता है। और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एरिया जो होता है वो आपका हेड होता है। जो आपका हेड होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो और आप यदि अदर मेडिसिन उसको दे भी रहे हैं और मेडिसिन देने के बाद भी फीवर कंट्रोल नहीं हो रहा है, कंट्रोल हो के थोड़ी देर के लिए हो जाता है, रिलैक्स मिलता है, लेकिन अगेन फीवर आ जाता है, तो आप समझ जाइए कि ये जो फीवर ये है ये डेंगू का ही है। तो आपको कुछ नहीं करना है 7 से 8 घंटे, और टेम्परेचर आप देखते रहिए, हर आधे घंटे में 10 या 15 मिनट में टेम्परेचर आप चेक करिए, और यदि वो टेम्परेचर 102 से 103 से नीचे नहीं जाता है, उसके ऊपर रहता है, अकॉर्डिंग वही मान लीजिए रहता है 102 और 103 रहता है, तो 100% वो डेंगू है, और यदि ये इस सीजन में होता है तो ठीक है, तो आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। यदि आपकी फीवर चला भी जाता है तब भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको सबसे पहले जब आप उसको अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो लक्षण सिम्टम्स बताते हैं, तो डॉक्टर आपको 100% वो चेकअप डेंगू और मलेरिया के लिए लिखते हैं। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो नहीं लिखते हैं, तो आप प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट करिए, क्योंकि सीजन भी इस समय ऐसा चल रहा है कि वो प्लीज़ डेंगू वाला जो एक टेस्ट होता है वो ज़रूर आप करवाएं। तो यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि यदि आपको गहरा फीवर है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग फीवर है, तो प्लीज़ यहाँ पे अदर मेडिसिन ना लें, क्योंकि डेंगू का कोई इलाज नहीं है, ये आपको पता है। मैं भी यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि डेंगू का कोई इलाज नहीं है, और इसीलिए कहा जाता है कि यदि स्टार्टिंग में फर्स्ट 1 या 2 डेज में पता चल जाता है तो ये जो डेंगू है ये बिल्कुल कंट्रोल में हो जाता है, लेकिन 3 या 4 डेज आप घर में गुजार देते हैं, और क्योंकि 3 डेज बाद इसमें वोमिटिंग होना, ठीक है ना, इसके जो लक्षण हमने आपको बताए हैं, और जब वोमिटिंग होती है, उल्टियाँ होती हैं, और उसमें खून की उल्टी होती है, वो रिस्की जोन कहला जाता है, और इसमें हेमरेज होने का भी डर रहता है, क्योंकि फीवर 24 आवर्स इसमें बना रहता है। तो यहाँ पे आपको अदर मेडिसिन नहीं लेनी है, क्योंकि डेंगू में अदर मेडिसिन यहाँ पे उसको कम करने का नहीं, उसको बिगाड़ने का, उसको सही करने का नहीं, बिगाड़ने का काम करती है, क्योंकि हमारे जो प्लेटलेट्स होते हैं, यानी प्लेट्स जो होते हैं ब्लड्स के, वो अदर मेडिसिन से और डाउन हो जाते हैं, और इसमें वेरी इंपॉर्टेंट होता है प्लेटलेट्स। तो इसमें जो चेक होता है डेंगू का वो उसी का होता है, जो प्लेटलेट्स होते हैं उनको बिल्कुल, उनकी जो काउंटिंग होती है वो बिल्कुल 150,000 हमारे बॉडी में होनी चाहिए कम से कम, और डेंगू में इसकी जो परसेंटेज मात्रा होती है वो बिल्कुल डाउन होती जाती है, और वो हमें डाउन नहीं करना है। तो अदर जब हम टेबलेट लेते हैं, पैरासीटामोल इसमें टेबलेट ली जाती है, पैरासीटामोल के अलावा यदि हम अदर टेबलेट लेते हैं तो वो हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। इस कंडीशन में, इस फीवर में जनरली हम लोग फीवर में एंटीबायोटिक टेबलेट लेते हैं, एक फीवर की टेबलेट के साथ में, और इसमें एंटीबायोटिक टेबलेट भी नहीं ली जाती है। मैंने पहले ही कहा सिर्फ और सिर्फ सिंपल पैरासीटामोल। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि पैरासीटामोल तो सभी फीवर वाली टेबलेट में होती है। जी हाँ, यही मैं आपको बोल रही हूँ कि पैरासीटामोल तो कंटेंट ही होता है फीवर, सभी फीवर वाली टेबलेट में। डॉक्टर जनरली वही टेबलेट जो है पेशेंट को, डेंगू पेशेंट को देते हैं। तो यहाँ पे जनरली अदर टेबलेट भी आप नहीं ले सकते हैं, एंटीबायोटिक भी नहीं ले सकते हैं। लोग यही करते हैं कि उन्हें फीवर होती है, उस चीज़ को पहचान नहीं पाते हैं, 2 से 3 दिन घर में गुजार देते हैं, और जो भी टेबलेट जितनी भी होती हैं फीवर की और एंटीबायोटिक को लेते रहते हैं, वोमिटिंग उल्टी हो रही, इसमें सर भी चकराता है, उसकी भी टेबलेट ले लेते हैं, और ये सभी टेबलेट जो होते हैं जोखिम में उनकी जान को डाल देते हैं, क्योंकि उनके प्लेटलेट्स जो होते हैं वो बिल्कुल डाउन होते जाते हैं। डेंगू में 30,000 से कम प्लेट्स नहीं होनी चाहिए, डॉक्टर भी वेट करते हैं, और उसके टेस्ट भी 2 या 3 दिन में होता रहता है। तो 30,000 से कम आप कोशिश करिए कि 50,000 से नीचे जो है आपके प्लेटलेट्स नहीं होनी चाहिए, फिर भी डॉक्टर वेट करते हैं 30,000 प्लेटलेट्स का। यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि आप प्लेटलेट्स किस तरह बढ़ा सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट जो रोल होता है इसी का होता है,
तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि सबसे पहली बात कि यदि पुष्टि हो जाती है, आप टेस्ट करवाते हैं और डेंगू है पता चलता है, तो सबसे पहली बात कि आप लिक्विड पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा दें। खास तौर पे जैसे यहाँ पे आप जूस दीजिए, जो भी वो जूस पसंद करते हैं, इसमें खाने पीने में कोई परहेज नहीं होता है, आप सब चीज़ खा सकते हैं, खिला सकते हैं, बशर्ते थोड़ी सी ऑयली और मैदा वाली चीज़ों से आप दूर रहें। तो यहाँ पे आप पेशेंट को जूस दीजिए, मिल्क दीजिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाइए। सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होता है वो होता है नारियल का पानी। आप नारियल का पानी ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को दो, एंटीबायोटिक का भी ये काम करता है नारियल का पानी। नींबू का पानी है, छाछ है, दही है, यानी 2 से 3 दिन आप पेशेंट को इतना लिक्विड दीजिए, कम से कम 1 दिन में 2-2.5-3 लीटर आप उनको पिलाइए। 2.5 लीटर तो कम से कम है, और ट्रस्ट मी, मैं गारंटी लेती हूँ कि यदि आप ऐसा पेशेंट से करते हैं, और क्योंकि फीवर बहुत ज़्यादा होती है, सर दर्द होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम उसमें होती है, आप देख चुके हमने बताया है, तो उसमें पेशेंट खाने से भी मना करता है, तो यहाँ पे आपको पेशेंट के साथ ज़बरदस्ती थोड़ा सा यहाँ पे ट्रीट करना होगा, उन्हें देना होगा, क्योंकि वो उनके हित के लिए है। तो यहाँ पे लिक्विड उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आप दें, और साथ में खाना भी दें, जो वो हल्का खाना चाहे, दलिया है, खिचड़ी है, दाल रोटी भी आप दे सकते हैं, लेकिन वोमिटिंग यदि हो रही है तो उसमें जब भी वो खाएंगे वोमिटिंग होगी तो डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी बात करती हूँ बच्चों के लिए, ये तो बड़ों के लिए है, बच्चों के लिए भी है, लेकिन यहाँ पे बच्चों में और बड़ों में, एडल्ट एंड चाइल्ड में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। और फ्रेंड्स इसमें लक्षण वही होते हैं, फीवर, ठंड का आना, बॉडी में दर्द रहना, सिर में दर्द रहना, और ठीक है ना, ये सभी चीज़ें होते हैं, और बेचैनी इसमें बहुत ज़्यादा होती है, घबराहट जो होती है, बीपी जो है वो आपका जो है लो भी हो सकता है, ठीक है ना, उसकी वजह से जो बेचैनी होती है वो ज़्यादा रहती है पेशेंट में। इसके लिए बहुत अच्छा है प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए पपीते का जो जूस होता है, पपीते का जो रस होता है, पपीते का रस आप बना लीजिए और पेशेंट को दीजिए, और देखिए 100% ये रामबाण औषधि है जो प्लेटलेट्स को, यानी कि जो प्लेट्स होते हैं ब्लड के, उनको बढ़ाने का ये काम करता है, प्लेटलेट्स को बढ़ाने का काम करता है। तो पपीता कुछ नहीं करना, पपीते के पत्ते को लीजिए, धुल लीजिए, जो सॉफ्ट पत्ते हैं पपीते के उनको धुल के, और आप उसको काट लीजिए चाकू से, किसी भी कटोरी या खलबट्टा जो आपके पास सिलबट्टे हैं उसमें रख के उसको हल्का सा पीस लीजिए, और उसको उठा लीजिए और अपने हाथों में रख के ऐसे मसल के निचोड़ दीजिए, और देखिए उसका जो आपको रस है 1/2 चम्मच मिल जाएगा। कड़वा होता है तो आप शक्कर या मिश्री के साथ में बच्चों को दे सकते हैं, या फिर आप उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके दे दीजिए, प्लेटलेट्स को बढ़ाता है और बहुत अच्छी ये दवा है। साथ में इसमें आप कीवी दीजिए, कीवी जो होता है वो बहुत अच्छा फ्रूट होता है, मैं आपको दिखाती भी हूँ कीवी क्या है। रही थी ये देखिए, ये जो है ये कीवी फ्रूट है, बहुत अच्छा होता है, एंटीबायोटिक का भी काम करता है, मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है, तो ये कीवी भी आप दे सकते हैं, और एक तरह से कहें पपीते की तरह ये काम करता है। और आप उसमें दूध है, दूध में आप हल्दी डाल के, अदरक है और काली मिर्च थोड़ी सी डाल के, और अच्छी तरह से तुलसी का पत्ता है वो डाल के आप मिला के थोड़ा सा उबाल के, जिस तरह से चाय बनाते हैं उस तरह से छान के बच्चे को दीजिए या बड़ों को पिलाइए, तो बहुत अच्छा, क्योंकि आपको पता है कि हल्दी में जो है एंटीबायोटिक के गुण होते हैं तो वो भी काम करता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो डेंगू को हरा सकता है, घर में रह के आप उससे जीत सकते हैं, बशर्ते सही वक्त पे, सही समय पे आपको पता चल जाए। जब आपको पता होता है कि जुलाई के बाद ये सीजन जो है डेंगू का स्टार्ट होता है, तो प्लीज जुलाई के बाद अपने कूलर में पानी भर के ना रखें, बिल्कुल सूखा कूलर को रखें, किसी भी गमले में, किसी भी पॉट में, कहीं पे भी पानी जो है, टायर वगैरह घर में भी पड़े हैं तो पानी बस नहीं भरा होना चाहिए घर के किसी भी जगह में, बिल्कुल वहां से हटा दें। साथ में जो खिड़की है वहां पे जाली लगा के रखें, मच्छर को अंदर ना आने दें, हीट का और या फिर कॉइल का या फिर ऑल आउट वगैरह का यूज करें मच्छर, और जो जुलाई के बाद जो है फुल आस्तीन के कपड़े बच्चों को जरूर पहनाएं और आप लोग भी पहनें, इससे आप जो है स्वस्थ रह सकते हैं, बच सकते हैं। और जब फीवर यदि आपको आती है तो प्लीज़ डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, पेशेंट को ले जाएं, ये ना सोचें कि 1-2 दिन में वायरल है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, क्योंकि वायरल का भी सीजन सेम इसी टाइम पे चलता है। और डॉक्टर के पास आप जाएंगे, यदि डॉक्टर टेस्ट के लिए लिखता है तो टेस्ट ज़रूर करवाएं। कभी कभी लोग सोचते हैं, अरे यार मुझे तो वायरल है, वायरल का सीजन चल रहा है, मेरे घर में किसी को हुआ था, हो सकता है किसी से मुझे भी आ गया हो, तो ऐसा नहीं है, टेस्ट ज़रूर करवाएं। डॉक्टर नहीं लिखता है तो आप उनसे रिक्वेस्ट करें टेस्ट के लिए, क्योंकि ये जान का सवाल है। तो प्लीज स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, सेफ रहें और थोड़ा सा सतर्क रहें। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में यदि ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले आप डॉक्टर से अपने परामर्श सलाह जरूर लें। चलिए फिर कुछ ऐसे ही हेल्दी टिप्स के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।